रेडमी नोट 4 के लिए सुपीरियर ओएस का न्यू अपडेट आया हुआ है। हालांकि अनऑफिशियल बिल्ड है एंड्रॉयड 13 का। पिछला वाला वीडियो आई बटन पर मिल जाएगा। उसके बाद इस अपडेट के अंदर भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। अबाउट फ़ोन के अंदर में, जैसे कि हम एंड्रॉयड वर्जन में चलते हैं, यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 13 मिल जाता है। सुपीरियर ओएस का बिल्ड है, जिप्स इंक्लूडेड के साथ में आता है। सिक्योरिटी पैच अपडेटेड है, फरवरी 2023 का मिलेगा। कर्नल बिल्कुल सेम है, सेम वर्जन के साथ कोई चेंज नहीं है। एंड सेलिनक्स भी इन्फोर्सिंग हमें देखने को इसके अंदर मिल जाता है। एंड नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर में वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट बन रहा है। सिर्फ हॉटस्पॉट की अगर बात करें तो पहले भी प्रॉब्लम कर रहा था और हॉटस्पॉट अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है। हॉटस्पॉट का बग है। और प्राइवेट DNS अब आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे ऐड किया गया है न्यू इस अपडेट के अंदर, पहले 2-3 ही थे। और कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर में कास्ट की अगर बात करें तो कास्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सुपीरियर लैब की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर हालांकि इस अपडेट में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है, जो पहले था वही सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी चेंजेस अपडेट के अंदर नहीं हुआ है। और क्विक सेटिंग के अंदर जाते तो यहाँ पे हाइड क्यूएस इन सिक्योर लॉकिंग का ऑप्शन न्यू देखने को मिल जाता है, बाकी और कोई चेंज नहीं है। एंड बटन के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ इस अपडेट में। साथ साथ नेविगेशन बार की बात करें तो इसके अंदर में भी आपको किसी सेटिंग में कोई चेंज नहीं, और अभी भी जैसे आप इनेबल नहीं कर सकते। साथ में हार्डवेयर टर्न लाइट का बग जो पहले था वो अभी भी देखने को इसके अंदर मिल जाता है। हार्डवेयर टर्न लाइट का बग अभी भी हमें यहाँ पे मिलने वाला है। वहीं जेस्चर के अंदर में यहाँ पे बाहर में भी आपको कोई चेंज नहीं मिलता, अंदर भी सेटिंग में कहीं पे कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है, ये भी बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। अब अगर लॉकिंग की बात करें तो लॉकिंग के अंदर सिर्फ एक चेंज हुआ है, मीडिया कवर आर्ट के नीचे एक ब्लर लेवल कंट्रोल करने का ऑप्शन था वो रिमूव किया गया। बस इतना ही यहाँ पे चेंज मिलता है, और कुछ यहाँ पे चेंज नहीं रहेगा। और पावर मेन्यू सेम है, पावर मेन्यू में कोई चेंज नहीं है। थीम्स की अगर बात करें तो यहाँ पे भी सब कुछ सेम है, सारे आइकन्स पहले जैसे ही मिल जाते हैं। इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ है, पहले जैसे ही आपको ये पूरा मिलने वाला है। नोटिफिकेशन के अंदर हालांकि यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं, नोटिफिकेशन भी पूरा सेम है। मिसलेनियस के अंदर अब आपको अनलॉक हायर FPS न्यू ऐड किया गया है, अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज न्यू ऐड किया गया है, और यहाँ पे नेटफ्लिक्स स्पूफ जो कि हमारे काम का है नहीं। बाकी दो ऑप्शन यहाँ पे आपको, ये तीन ऑप्शन लास्ट के न्यू देखने के इसके अंदर मिल जाते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हुई हैं। और वहीं डिस्प्ले के अंदर जाते हैं तो डिस्प्ले के अंदर लॉकिन में आप जब जाओगे तो यहाँ पे आपको नीचे आने के बाद नाउ प्लेइंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि न्यू इस अपडेट के अंदर ऐड किया गया है। और डार्क थीम के अंदर थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हुआ, इस तरीके का जो है इमेज अब आपको ऊपर हेडर मिल जाता है प्रीव्यू, तो चेंज किया गया है। और फिर नीचे ऐसा कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, रोटेशन पहले जैसा ही है। और अगर हम यहाँ पे वॉलपेपर इन स्टाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे हालांकि आपको सेटिंग में कोई चेंज नहीं है, थीम आइकन काम कर रहा है, बट डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर आपको न्यू मिल जाता है। जो मैं सेट कर रखा हूँ वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, बट डिफ़ॉल्ट ये वाला है जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये डिफ़ॉल्ट इसके साथ में न्यू आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो मैं यूज़ करूँ डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ऐप्स के अंदर में यहाँ पे गेम स्पेस पूरा सेम है, गेम स्पेस के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। और लॉन्चर के अंदर थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, हालांकि होम स्क्रीन पूरा सेम रहेगा, बट इसके ऐप ड्रॉअर के अंदर जाओगे तो थीम्ड आइकन के एक ऑप्शन हुआ करता था वो रिमूव हुआ है। और रीसेंट पूरा सेम है, रीसेंट में कोई चेंज नहीं। मिसलेनियस के अंदर सजेशन ऐड हुआ है, साथ साथ यहीं पे लास्ट में रिस्टार्ट का ऑप्शन हमें न्यू देखने को मिल जाता है। तो इतने चेंजेस आपको इसके लॉन्चर के अंदर हुआ है, और कोई चेंज लॉन्चर में नहीं हुआ है। एंड यहाँ पे नोटिफिकेशन सेम है, बैटरी के अंदर सिर्फ आइकन क्लियर स्टेट्स वाला रिमूव हुआ है, मतलब चेंज हुआ है, आइकन सिर्फ चेंज हुआ, बाकी सेटिंग में कोई चेंज नहीं। वहीं बैटरी की बात करें 2 आवर 50% ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 89% मिला है, पिछले में 78 था। और एक चीज़ और अब यहाँ पे क्लियर कर दूँ, पिछले में भी 89% के करीब ही था, अब 78 क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ आपको बता दूँ कि इसका जो ब्राइटनेस लेवल है वो यहाँ पे सही से नहीं है, सही यानी कि एडजस्ट नहीं है। अगर आप हल्का सा भी स्लाइड करते हो तो आपका जो है 50% ब्राइटनेस हो जाता है। वहीं 50% तक अगर आप ले जाते हो इसके हिसाब से, या डिस्प्ले पे भी जो आपको परसेंटेज के हिसाब से दिखाता हूँ वहाँ के हिसाब से भी 50% करोगे तो ये करीब आपका जो है 89 या 90% के करीब यानी कि ब्राइटनेस हो जाता है। इसलिए यहाँ पे मैं ये एप्लीकेशन यूज़ करूँ, इस तरह का जिसमें भी ब्राइटनेस लेवल का इशू होता है तो 50% करने के लिए मैं ये एप्लीकेशन ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट आपका 50% ब्राइटनेस करता है। क्योंकि एडजस्ट वाले में तो प्रॉब्लम देखने को मिलता है, बट यहाँ पर जो ऐप मैं यूज़ कर रहा हूँ इस पर प्रॉब्लम नहीं रहता, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट। अब यहाँ पर आपको करके भी दिखाता है, एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको दिखाता है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर 50% इसको कर
करता हूँ यहाँ पे ब्राइटनेस जो कि इसका 50% रहेगा। अब ब्राइटनेस भी देखना 50% हो चुका है, साथ ही साथ अभी इसको आपको एडजस्ट करने वाला जो ब्राइटनेस लेवल है वो अगर आप देखो तो कहाँ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल एडजस्ट करने का पहले भी ये चीज़ था, तो मैं यहाँ 50% इस तरीके से किया था, जो कि अभी मैं बैक करूँगा रिफ्रेश हो जाएगा तो 50% आप देख सकते हो कहाँ पर जा रहा है, 100 बिल्कुल 100 के करीब ही पहुँच जा रहा है। तो इसकी वजह से पिछली बार का बैटरी बैकअप कम देखने को मिला था, हालांकि इस तरीके का ही बैटरी बैकअप आपको पिछले में भी था, बट यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल का थोड़ा सा इशू है, परफेक्ट नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसलिए जिसमें भी ये ब्राइटनेस इशू होता है इसमें मैं ये एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, तो किसी अगर कभी यूज़ करना होगा तो ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से कर सकते हो, हालांकि प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ यहाँ पे ये एप्लीकेशन का, किससे ब्राइटनेस लेवल आप अपना करेक्ट बिल्कुल पता कर सकते हो कितने पे कितना रहता है, क्योंकि एडजस्ट करने वाला तो कभी कभार प्रॉब्लम रहता है, बग रहता है, एडजस्ट करने वाले का भी सही से फिक्स नहीं रहता जो कि इस रोम के अंदर इस चीज़ आपको मिलता है, तो इसलिए एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो एडजस्ट करने के लिए। वहीं साउंड एंड वाइब्रेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे यार आपको लाइव कैप्शन देखने को मिलेगा जो कि पहले नहीं था, और अडेप्टिव साउंड मिल जाता है, इससे आपके फ़ोन के स्पीकर की क्वालिटी इंप्रूव होती है। बाकी फिर यहाँ पे और कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, जितनी भी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल रही है सभी के सभी आपको पहले वाली मिलती है, लेटेस्ट जो प्रीसेट्स है अभी भी देखने को नहीं मिलते, बट डायरेक्ट साउंड आपका काम करने वाला है। और सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर भी उसे रोम आपको बाय डिफॉल्ट डिक्रिप्टेड ही देखने को मिलता है, इनक्रिप्टेड नहीं रहेगा, सिक्योरिटी की सेटिंग्स नॉर्मल ही है। और यहाँ पे जो हमारा फेस फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक की बात करें तो दोनों अच्छे तरीके से काम करें, बस वही फेस अनलॉक है थोड़ा सा रिकोगनाइज करता है, उसके बाद अनलॉक होगा तो थोड़ा सा कुछ सेकंड का टाइम लगता है, कुछ सेकंड एकदम 1 से 2 बस इतना ही, ऐप लॉक आपको मिल ही जाता है तो उसमें भी ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको लैंग्वेज मिल जाएगा जो कि पहले मिला करता था, उसी तरीके से सपोर्टेड है ऐप लैंग्वेज अपडेटर दिया गया जो कि हमारे काम का है नहीं। और एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, सेटिंग में भी थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया गया सेटिंग्स, यानी कि सेटिंग्स के ऑप्शन जो है इधर उधर थोड़े से मूव हुए हैं इस अपडेट में। हालांकि एनिमेशन की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आपको मिलने वाला है इस अपडेट के अंदर, जो एनिमेशन है थोड़ा लैग तो कर रहा है बट पिछले अपडेट के मुकाबले थोड़ा इंप्रूव हुआ है स्क्रोलिंग में भी। अगर हम न्यू की बात करें तो यहाँ पर न्यू ऐसा कुछ खास टाइल नहीं है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स भी सेम है पहले जैसी, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर में हालांकि आपको कोई चेंज नहीं मिलता, बट जैसे कि बताया इस बार एनिमेशन थोड़ा इंप्रूव हुआ, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी आप देखोगे तो यहाँ पर बिल्कुल लाइट लैग अप करता है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको ज्यादा कुछ खास यानी कि दिक्कत नहीं होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से। एनिमेशन में वॉल्यूम पैनल सेम है, बस नीचे लाइव कैप्शन अब मिल जाएगा, और ऐप ओपनिंग के अंदर थोड़ा डिले मिलता है और थोड़ा सा लाइट सा लैग अप मिलता है, तो थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है एनिमेशन, जैसे कि बता रहा हूं एनिमेशन तो सभी जगह एनिमेशन जो है इंप्रूव हुआ है थोड़ा सा, रीसेंट पूरा सेम रहेगा जैसे कि पहले मिला करता था। और प्ले स्टोर की बात करते हैं तो प्ले स्टोर बिल्कुल सर्टिफाइड आता है, सेफ्टी नेट आपका पास रहेगा इसके अंदर में, बैंकिंग ऐप को लेके कोई दिक्कत नहीं, एंड कैमरा इसके अंदर अपर्चर का ही प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है, बाकी जीके में आपको मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ेगा, 8.1 इंस्टॉल कर लेना, एंड एडवांस कंट्रोल पहले जैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और ये ऐप जो यूज़ कर रहा हूँ ऑलरेडी आपको बता ही दिया क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बाकी आपका यहाँ पे गैलरी नॉर्मल मिल जाता है, हालांकि गूगल फोटो इंस्टॉल करोगे तो उसमें अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाएगा। और ओके गूगल का बग आपको देखने को मिलेगा जो कि पहले भी देखने को मिलता था, और इसका सुपीरियर का वॉलपेपर ऐप भी मिल जाता है उसे। कॉलिंग के अंदर वॉल्टी काम कर रहा है, कैरियर वीडियो कॉल का बग है, और यहाँ पे हमारा जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अभी भी देखने को हमें नहीं मिलता है। और ब्लूटूथ डिवाइस अगर आप यूज़ करते हो तो मीडिया पे तो काम कर रहा है, बट कॉलिंग के अंदर अभी भी बग देखने को मिल जाता है, कॉलिंग में ब्लूटूथ डिवाइस काम नहीं कर रहा है। एंटूटू स्कोर 119,655 है, पिछले में 120 था, यानी कि स्कोर आपका पहले जैसा है। और यहाँ पे अब हम बात करें गेम स्पेस की, तो गेम स्पेस की भी सेटिंग्स आपको पहले जैसी मिल जाती, ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं है, मोनेट जो है बेस्ट पूरा रहने वाला है, यहाँ पे ऐसा कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है, पहले जैसा ही मिल जाएगा। और ग्राफिक में जरूर यहाँ पे थोड़ा चेंज हुआ, हाइयर एफ पी एस यानी कि नीवल आप कर सकते हो जो कि सेटिंग में भी दे दिया गया है, बाकी बैलेंस मीडियम रहेगा, तो हम स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे खेलने वाले इसके अंदर में। और गेमिंग पिछले अपडेट की अगर बात करें तो पिछले अपडेट से थोड़ा सा बैटरी लग रहा है, हालांकि कर्नल से में बैटरी आपको पहले जैसी मिल जाती है, बट यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट अब गेमिंग के अंदर इसलिए हुआ है क्योंकि FPS जो है पहले 30 FPS पे खेल पा रहे थे, अब यहाँ पे एक्सट्रीम तक अनलॉक कर सकते हो, स्ट्रीम पे आपका 60 FPS चलता, बट इस पे जो है बिल्कुल आपको करेक्ट 60 FPS तो नहीं देगा नोट 4 डिवाइस, लेकिन आपको यहाँ पे जो है वही 40 के करीब 35 से ऊपर यानी कि देखने को मिल जाता, तो थोड़ा बहुत FPS बेटर हो गया है, तो ये चीज़ आपका थोड़ा बेटर रहेगा, थोड़ा सा ठीक ठाक सा यानी कि गेमिंग देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से जो हमें ये सारे चेंजेस इस बिल्ड के अंदर मिल जाते हैं। और ब्राइटनेस लेवल का अगर जैसे कि आपको समझाया कि ब्राइटनेस लेवल का कुछ कुछ रूम में प्रॉब्लम होता है जो कि इसके अंदर भी आपको ये चीज़ देखने को मिल जाता है, तो एप्लीकेशन से आप एडजस्ट कर सकते हो, आपको 50% करना तो उस एप्लीकेशन से 50% कर सकते हो, 60 आपको करना होगा, बस परमिशन उस एप्लीकेशन की दे देनी होगी, जो भी दो परमिशन मांगता है उसके बाद आप उसका यूज़ कर पाओगे, हालांकि
डिस्प्ले के अंदर सभी परसेंटेज के हिसाब से आप 50 सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे करीब आपका 90% के करीब तक चला जाता है। इसलिए वो एप्लीकेशन मैं हमेशा एडजस्ट करता हूँ जिसमें भी ब्राइटनेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। काफ़ी लोग को पता भी होगा कि ब्राइटनेस का थोड़ा सा एडजस्ट करने वाला इशू हो जाता है कुछ कुछ रोम के अंदर में, तो अपडेट्स से धीरे धीरे फिक्स भी कर दिया जाता है, बट अभी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। बस यही था आज की वीडियो में, एंड वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।